नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सबसे गरीब तबका जो वो रोड पे है, गुज्जर बकरवाल कश्मीरियों का काम कर रहे हैं, हमको खुशी हो रही, दुखी नहीं हो रहे हम लोग? हम कहाँगे पीओ जे अरपू जी कहाँगे? पहले तो हमारे एमपी और जो भी मिनिस्टर थे बोलते थे पीओ जे के अरपू जी बड़े काम आ रहे हैं, आज कहाँ गए? मर के पे हम लोग कहाँ गए हैं? रोड पे खज्जल हो रहे हैं, हमारा इनको कोई ध्यान आ रहे हमारे पे? हम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के सभी मिनिस्टरों के पास साथ हाथ जोड़ के मंत्री हूँ, हमारा पीओ जे के अरपू जियों का मसला हल करिए, नहीं तो जय हिंद जय भारत होगा। हमारी बातों का क्या जवाब देते हैं उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। यानी आपको चुनाव से कोई दिलचस्पी नहीं होगी? अगर नहीं काम करेंगे तो उनको क्या करना? हमने उनको हमने करना क्या है? जो गवर्नमेंट काम नहीं करती है, जो गवर्नमेंट मुसीबतों के साथ नहीं देती है, ऐसी गवर्नमेंट को हमने क्या करना है? तो इससे बेहतर है कि हम इसमें लगे हुए हैं, देखो थोड़ी अगली शायद रैली में हम अनाउंस कर देंगे क्या करना है, क्या होगा वो जल्दी कर देंगे। 70 सालों से आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो भाजपा के साथ ही आपको इतनी उम्मीदें क्यों हैं? अभी है ना मेरी, इसलिए है कि उन्होंने कम से कम एक काफी तो मुंह में डाली है, बाकी हुकूमतों ने कुछ डाला ही नहीं है, इसलिए हमें सब देख लिए हुए हैं। आज इतनी लंबी लड़ाई 72 साल हो गए हैं, 77 साल हो गए हैं, तो क्यों हुई है? क्योंकि जो आता है अपना मतलब निकालता चलता है, हमें तो आम की गुड़ी की तरह चूप कर दूर फेंक देते हैं, जब मतलब निकला तो रिफ्यूजी कौन थे हम कौन। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है बाकी सरकारों से ठीक ही है? नहीं ठीक है, हम अभी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लास्ट अभी दिन देखेंगे, अगर ये भी नहीं अगर रास्ते पर आई तो कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा, कुछ और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा लगता है कि फौजी जो पीओजे के डीपीज है इनके दर्द को किसी ने समझा ही नहीं, अगर समझा होता तो कोई ना कोई इनका लिए कोई ना कोई इनको बार बार सड़कों पर ना उतरना पड़ता। माननीय मोदी जी पर भरोसा है हमें क्योंकि वो आम लोगों के काम कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि इधर किसी लोगों का कोई आम ध्यान जो है वो कम है, इसलिए जो हमारी समस्याएँ जो हैं पीछे रह रही हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी फिल्म इंडस्ट्री को आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे कश्मीर फाइल बनी थी ऐसे पीओजे के डीपी फाइल भी बने, ताकि आम जनता को पता चले कि इनकी समस्याएं क्या थी और क्या क्या इन्होंने मुसीबतें जो है वो झेली हैं। अगर इनकी मुसीबतों का किसी को ज्ञान हो तो हमें इतनी देर सड़कों पर ना घूमना पड़े। सभी को आम तौर पर रिजर्वेशन दी जा रही है, हमारे गरीब बच्चे हैं, कोई पढ़ा नहीं बच्चा लेकिन कोई रिजर्वेशन का नाम नहीं है हमारा। हमारी पीओजे की 8 सीटें जो हम बार बार डिमांड कर रहे थे, 1 सीट उन्होंने दी है, वो किसको बांटनी है? हमने हम चाहते हैं कि हमारे अपने नुमाइंदे हों, हमारी बात हम दूसरों को वोट दे देते हैं, हमारी बात आगे कोई करता ही नहीं। चुनावों पे असर पड़ेगा आपकी डिमांड से? जी चुनावों पर अगले जो आने वाले दिनों में हम मीटिंग कर रहे हैं, इसका निर्णय लेंगे हमने क्या निर्णय करना है इसके ऊपर, और आगे आने वाली जो असेंबली जो हमारी होगी उसमें हम अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। धन्यवाद।